अर्चना दंडवत प्रणाम। आप सभी भक्तों के चरण कमलों पर मेरा सादर प्रणाम, कृपया स्वीकारें। आज हम लोग देखने जा रहे हैं ठाकुर जी का बहुत ही सुंदर डायमंड का नेकलेस, उनके कड़े और इयररिंग्स। तो ये बहुत आसानी से हम लोग घर पे ही बनाएंगे। उसके लिए हमको चाहिए एक थिक पॉलिथिन प्लास्टिक कुंदन, जो मेरे ड्रॉप शेप के हैं और सर्कल शेप का है, जरकन चाहिए हमको। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने एक स्क्वायर जो हमारा पेंडेंट होता है उसके लिए एक स्क्वायर पॉलिथिन काट करके ले लिया है। इसके ऊपर अब हम लोग फैब्रिक ग्लू या कोई भी एडहेसिव, जो स्ट्रॉन्ग एडहेसिव हो, वो लगा लेंगे। ऐसे लगाने के बाद अब जो मेरे पास कुंदन है वो मैं यूज़ करके इसको पेस्ट करके पेंडेंट बनाना चाह रही हूँ। तो हम लोग जो यूज़ करते हैं प्लास्टिक के कुंदन, वो आप डिज़ाइन आपके ऊपर है, जैसा भी पेंडेंट बनाना चाहे वैसा बना सकते हैं। मेरे विग्रह बहुत छोटे हैं इसीलिए मैं जो सिर्फ 4 पेटल्स ही यूज़ कर रही हूँ कुंदन ड्रॉप के। अगर आपका विग्रह बड़ा है या आपकी जैसी इनोवेशन है, जैसी आपकी सोच है, वैसे आप बड़ा भी बना सकते हैं। हल्के हल्के मैं प्लेस करते जाऊँगी फेविकॉल के ऊपर, लेकिन थोड़ा सा मैसी हो जाता है करते वक्त, लेकिन डरिए मत, ये बाद में फाइनल हम लोग कट करके ले लेते हैं तो कुछ भी दिखाई नहीं देता और कुछ भी मैस नहीं लगता है। तो ऐसे धीरे धीरे मैंने प्लेस करके ले लिया है मेरे चारों कुंदन को, और इसके ऊपर अब मैं फिर से ग्लू लगा के जो उसका सेंटर है उसमें एक राउंड वाला जो सर्कल कुंदन होता है वो पेस्ट करने वाली हूँ। तो इसको थोड़ा सा देर अगर सूखने देते हैं तो ज़्यादा अच्छे से काम हो जाता है, लेकिन मैं बिना सूखने दिए ही आपको कंटिन्यूएशन में वीडियो दिखा रही हूँ और वैसे ही मैं काम कर रही हूँ। लेकिन अगर आप नए हैं या पहली पहली बार कर रहे हैं तो बेटर है कि आप इसको सूखने दें। थोड़ा सा पॉलिथीन अभी भी हमारा पीछे से दिख रहा है, जो हमने अपनी जरकन चेन का पेंडेंट का लटकन बनाने के लिए रखा हुआ है। तो ये जरकन चेन मेरे हाथ में है और इसको जो मुझे लेंथ चाहिए मेरे पेंडेंट से लंबी, उसमें मैंने काट के ले लिया है। और धीरे से अब मैं उसको अपने उनकी जो डिज़ायर्ड जो लोकेशन है, जो मुझे अच्छी लग रही है, उसमें मैं फ़िक्स कर दूंगी। और नीचे जो ड्रॉप मैंने ऊपर यूज़ किए हैं पेटल्स के लिए, वही नीचे मैं चिपका दूंगी। ऐसा सोचने के बाद कि ये सही दिख रहा है या नहीं, मैंने उनको फ़िक्स कर दिया जरकन को, क्योंकि मुझे सही लग रहा था। और अब मैं नीचे वाले जो ड्रॉप है उनको भी फ़िक्स कर रही हूँ। तो ऐसा करने के बाद में फिर मुझे फिर से एक गैप देना पड़ेगा ताकि ये पूरा सूख जाए। और ऐसे धीरे धीरे प्लेस करके जब मैं ये कुंदन पूरा लगा चुकी होंगी तब ये धीरे धीरे सूखने भी लगेगा और अपनी पोजीशन से हिलेगा भी नहीं। अभी मेरे हाथ में फेविकॉल चिपका हुआ है तो वो दोनों तरफ से बाइंड हो रहा था। तो धीरे से अब इसके मैं जो मेरा पेंडेंट रेडी है उसके जितने भी एजेस विजिबल हैं सब काट लूँगी, लेकिन सूखने के बाद। अब आइए हम लोग चेन बनाते हैं। तो ये जरकन चेन जो हमारी है उसको बैक साइड में ले लिया है हमने, और जितनी लंबाई चाहिए हमको उतनी लंबाई में हम लोग काट लेंगे दो पैरेलल चेन्स। तो एक तरफ दो होगी और एक तरफ दो होगी। इनके बैक साइड में हम ऐसा कुछ फॉर्मेशन बना के रखेंगे जो मैंने अभी स्टिक नहीं किया, लेकिन मैं स्टिक करने वाली हूँ। तो अगर इसमें आपके पास एक्रिलिक ग्लू है तो वो थोड़ा सा दिखता है, मोटा मोटा रह जाता है, लेकिन अगर आपके पास ज्वेलरी ग्लू है तो वो थोड़ा फ्लेक्सिबल भी होता है और आसानी से चिपक भी जाता है और पीछे से दिखता भी नहीं। वही थोड़ा सा वाइट ग्लू में थोड़ा सा उतना अच्छा फिनिशिंग नहीं आता है ऐसा मुझे लगता है, लेकिन स्टिल मेरे पास वही था तो मैंने वही यूज़ किया है। आप भी वही यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं है तो। तो इस तरीके से मैंने दोनों लाइन के बीच में थोड़ा थोड़ा ग्लू लगा दिया है और इसको पूरी तरीके से सूखने हम देंगे, नहीं तो ये फिर से अपनी जगह से हिल जाएगा और हमारा जो चेन है वो ख़राब हो जाएगा। इसको भी हम लोग पेंसिल या किसी टूल की मदद से एकदम क्लोजली प्लेस कर देंगे ताकि दोनों जो चेन है वो बहुत अच्छे फॉर्म में आए। तो इस तरीके से अब मेरा सूख गया है और ये बहुत अच्छा वी शेप मेरा आ गया है नेकलेस का। अब मैंने जो पेंडेंट है उसको भी चिपका दिया है और अब बढ़ते हैं कड़े के तरफ। बकरम लिया है, बकरम को मैंने जितनी थिकनेस चाहिए उसके डबल इसमें लिया है और उसके बीच में एक तार डाल के इसको चिपका दिया है। मेरे पास गोल्ड कलर नहीं था और ग्लिटर था तो मैंने पहले वाले कड़े में जो ऊपर दिख रहा है उसमें गोल्ड ग्लिटर यूज़ किया है कि कहीं से अगर कुछ चमक जाए तो ठीक है, नहीं तो पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा सा फेड हो जाए, वाइट नहीं रहे। और दूसरे वाले में मैंने
सिर्फ वाइट ही रखा है, आपको जैसा समझ में आता है आप क्या कर सकते हैं। अगर आपके पास गोल्डन पेंट है तो आप गोल्डन कर दीजिए, बहुत अच्छा लगता है। और फिर अब मैंने अपनी जरकन ली है और जरकन को जितनी लंबाई मुझे चाहिए वो मैंने काट के ले ली है। ध्यान यही रखना है कि जरकन के जो स्टोन्स होते हैं वो बहुत दूर दूर नहीं होने चाहिए, नहीं तो वो बहुत गंदा लुक देते हैं, बीच बीच में स्पेस दिखाई देती है और वो सही लुक नहीं आ पाता। तो इसीलिए जो स्टोन चेन है उसको हम लोग अच्छे से प्लेस करेंगे और एक एक स्टोन को धीरे धीरे पोजिशन करते हुए चिपका लेंगे। तो इस तरीके से अब हमारी जो स्टोन चेन है वो दोनों चिपक गई हैं और ये भी बस अब रेडी होने वाला है कंगन। तो इसको भी हम लोग सूखने देंगे और इसके बाद हम लोग जो है थोड़ा सा हम लोग सोचेंगे कि अब इसके ऊपर क्या डिज़ाइन की जाए। तो मुझे इसके ऊपर कुछ डिज़ाइन करना है और मैंने ग्लू लगा के रखा है और जो सेम है हमारा जो पैटर्न पेंडेंट का उसी टाइप का हम कुछ रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे अगेन मेरे हाथ में दोनों उंगलियों में ग्लू चिपका हुआ है तो बहुत परेशानी हो रही है। अगर आपके पास कोई टूल हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास सिंपल जो भी था उसमें भी सब ग्लू लग गया था और हाथ में चिपके जा रहा था, इसलिए थोड़ी परेशानी हुई है। लेकिन आप थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे तो ये नहीं होगा। तो इस प्रकार से मैंने दोनों चिपका लिए हैं और ये दोनों कड़े भी हमारे बन के तैयार हैं। अब ईयरिंग्स लेते हैं भगवान की। और ईयरिंग्स के लिए मैंने छोटे छोटे जो पैच जो मेरे लड्डू गोपाल के ईयरिंग्स के लिए काफ़ी थे उतना मैंने लिया है और दो जरकन की चेन, जो एक कम जरकन है और एक में थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है, एक स्टोन ज़्यादा है, वो जरकन लिया है। बस दोनों को स्टिक कर दिया है मैंने जैसे हमेशा करते हैं। और अब मैं इसके ऊपर अपना जो पर्ल पियर ड्रॉप कुंदन है वो लगाने जा रही हूँ। वो पियर ड्रॉप कुंदन लगाने के बाद मैं जो अपने ईयरिंग्स है उनको रेस्ट करने दूँगी, सूखने दूँगी और फिर वो रेडी हो जाएंगे। तो ये जो है बहुत छोटे छोटे ईयरिंग्स हैं इसीलिए थोड़ा डिफ़िकल्टी होता है। अगर थोड़ा बड़ा बनाए हम लोग तो वो बहुत अच्छे से बनता है और काफ़ी जल्दी बन जाता है, लेकिन छोटे काम के लिए, बारीक काम के लिए हमेशा टाइम कंज्यूमिंग होता है और थोड़ा ध्यान से बनाना पड़ता है। तो इस तरीके से हमारे ईयरिंग्स भी अब सेट हो गए हैं, जहाँ पर मैंने पोजिशन करना था वहाँ पर सब हो चुका है पोजिशन करके। और अब हमारा टाइम आ गया है इनको सूखने देने का। इनको सूखने के लिए अलाउ करें ताकि ये इसकी पोजीशन भी फिक्स हो जाए और ये अच्छे से सेट रहें। तो कड़े तैयार हैं, ईयरिंग्स तैयार हैं और हमारा सुंदर सा हार भी तैयार है। तो बस आज के लिए इतना ही था। कृपया लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर ज़रूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है।